हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद हम गाइडेंस भी लेते हैं इसमें। साथ ही साथ मेजर अरकाना से हम ये भी देखते हैं कि क्या मेजर हो सकता है आपके लव रिलेशन में। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर वन, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में शुरू होता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर वन। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एम से जेड के बीच में शुरू होता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर टू। सो पाइल टू का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर जा सकते हैं। पाइल वन से हम रीडिंग शुरू करते हैं, इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे क्या मेजर चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मेजर सोच रहे हैं, क्या कोई मेजर एक्शन उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेथ विद द स्टार, स्ट्रेंथ, कुछ ख़त्म करने वाले हैं आपके पार्टनर। डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में पाइल वन के, क्या ख़त्म करना चाहते हैं। जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, कैसा जजमेंट हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें कैसा जजमेंट हो सकता है। बैलेंस, सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। बॉटम से है द फूल, एक सेकंड। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ ख़त्म करने वाले हैं। डेथ का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड विद द स्टार, और ये एंडिंग आपकी विश है। आप चाहते हैं कि वो बदल जाएं, आप चाहते हैं कि वो निकल जाएं किसी सिचुएशन से, आप चाहते हैं कि वो डिसीजन लें और वही डिसीजन ये लेना चाहते हैं। सो ये है करंट एनर्जी, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आने वाला है। पावर में है, रीयूनियन चाहते हैं, आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी है द फूल, केयर फ्री होके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। सो ये इनके दिल दिमाग में चल रहा है मेजर। देखते हैं करंट एनर्जीज में क्या निकल कर आता है, प्लीज़ गाइड करें करंट एनर्जी पाइल नंबर वन के पार्टनर्स की। पाइल नंबर वन के पार्टनर, पहला ही कार्ड टावर आ गया। जैसा मेजर अरकाना बताता है वैसे ही करंट एनर्जी भी आती है, फर्स्ट कार्ड टावर। कुछ तो ख़त्म करने वाले हैं, कुछ तो इन द सेंस ऑब्वियसली, देखते हैं क्या ख़त्म करने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो ये मैरिड लाइफ से निकलने वाले हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो आपके पार्टनर। लेकिन अगर मैरिड हैं तो ये वहाँ से ब्रेक थ्रू आने वाला है। द मजिशियन, ये इनकी विश है। टू ऑफ कप्स, रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, स्लीपलेस नाइट है, किसी तरह का गिल्ट है, किसी तरह का पछतावा है। टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, डेविल, टावर को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। कार्मिक सिचुएशन में है, अगर ये खुद डेविल एनर्जी में थे तो ये खुद को बदल रहे हैं। अगर ये किसी तरह की कार्मिक रिलेशनशिप में थे या कोई बैड हैबिट्स थी या कोई कंट्रोल कर रहा था तो ये वहाँ पे टावर मोमेंट ला रहे हैं। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, किसी तरह का गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं।
हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, टेंशन दिया है, और अब भरपाई करना चाहते हैं। मे बी इनके लाइफ में चॉइसेस रहे हों, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हों, या आपको इन्होंने प्रायोरिटी पे नहीं रखा। कभी इन्होंने काम को प्रायोरिटी दी, कभी इन्होंने फैमिली को प्रायोरिटी दी, कभी इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, लेकिन आपको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। बहुत हर्ट किया है आपको। अब इनकी विश है कि ये आपके साथ रीयूनियन में आए, आपको कमिटमेंट दें। नाइन ऑफ कप्स, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट ये आपको अब देना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको ना कह दिया हो, या पास्ट में आपसे मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन बॉटम की एनर्जी है, अब ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जो काफ़ी टाइम से इन्होंने नहीं बताया। सोल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, सोलमेट जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ लोगों की हो सकती है। सो डेफिनेटली करंट एनर्जी यही बता रही है। देखते हैं आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें एंजल्स। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 1। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि खुश नहीं है बिल्कुल भी ये। अगर किसी भी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, किसी तरह की हैप्पीनेस नहीं है। काम में भी मन नहीं लग रहा है, घर में भी मन नहीं लग रहा है। आपसे अगर डिस्टेंस है, आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बिना सैड हैं। आप ही के साथ खुश रहते हैं, आप ही के साथ शेयर करते हैं अपनी सारी चीज़ें। अगर इन्हें कोई लॉस हुआ है तो भी आपसे शेयर करते हैं, अगर इन्हें कोई प्रॉफिट हुआ है तो भी ये आपसे शेयर करते हैं, कोई सुख दुख हो ये आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगन्स का कार्ड है। नेक्स्ट एक्शन में ये एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बहुत हर्ट कर लिया, अब ये सैड हैं, इन्हें एहसास हो रहा है, इन्हें फील हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। इनका विजन काफ़ी हद तक बंद था, ब्लॉक था थर्ड आई चक्रा, लेकिन अब ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी लोगों को 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। 3 वीक्स के अंदर या जब भी ये आपसे बात करेंगे, तभी ये आपको डेफिनेटली बताएंगे कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और साथ ही साथ आपकी तरफ एक इशारा करेंगे कमिटमेंट का। कोई ऐसा जेस्चर आपको दे सकते हैं या कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, ये अब आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। देखते हैं एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अबंडेंस, लिसन टू योर इंट्यूशन इन द नियर फ्यूचर। ये 3 कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने आपको। पहला कार्ड है आपके लिए अबंडेंस, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। लिसन टू योर इंट्यूशन, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आने वाली है। कुछ मैसेजेस लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आता है। मार्च, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए किसी भी हिसाब से मार्च इम्पॉर्टेंट हो। इमोशनली अटैच्ड, आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। फिर है बी पेशेंट, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इमोशनल लॉस, हमारे पास नेक्स्ट एक्शन में इमोशनल लॉस का कार्ड भी आया था और यहाँ से मैसेज भी आया है। हो सकता है कि आपको खोने का डर अब इनके अंदर आ रहा है, साथ ही साथ
अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये खुश नहीं है, आपको खो के बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड है। लास्ट कार्ड लेते हैं, यू आर माई लव। सो ये थी पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन इस रीडिंग से रेजोनेट हुई हो, आपको गाइडेंस मिली हो, तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एन से जेड की पाइल, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सबसे पहले हम हमेशा की तरह मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद करंट एनर्जी हम टैरो से चेक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एक्शन लेंगे, गाइडेंस लेंगे और कुछ लव मैसेजेस लेंगे। सो देखते हैं क्या आता है पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स के लाइफ में, क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी क्या मेजर सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। द एम्परर विद द लवर्स। द एम्परर क्यों आया है, कौन है द एम्परर। करंट एनर्जी, ओके, एम्प्रेस भी आ गई। या तो आपके पार्टनर हस्बैंड वाइफ हैं या वाइफ हस्बैंड मतलब मैरिड हैं, या तो आपके रिलेशनशिप में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहाँ एम्परर और एम्प्रेस आ गए हैं, किंग एंड क्वीन। लास्ट कार्ड द चैरियट। डेफिनेटली एक्शन होने वाला है यहाँ पे, किसी तरीके का हैंग्ड पोजीशन से बाहर निकलने वाले हैं आपके पार्टनर्स। कोई बड़ा डिसीजन यहाँ होने वाला है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो यहाँ पे वो इमोशन से ऊपर उठ के लॉजिकली डिसीजन लेने वाले हैं। दूसरी तरफ इनका मेन मकसद इस टाइम आपके साथ रीयूनाइट होना है। यहाँ पे ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं। बीच में अगर कोई भी आ रहा है तो ये अभी किसी की नहीं सुनने वाले हैं, इस तरह की सिचुएशन यहाँ निकल कर आई है। चाहे पेरेंट्स आ रहे हों, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर का डिसीजन होने वाला है रीयूनियन से रिलेटेड। चैरियट विद द लवर्स। सोल जर्नी हो सकती है, आप में से काफ़ी लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। सो मेजर यहाँ पे चेंज आया है एनर्जी में, आपको लेकर यहाँ पे डिसीजन होने वाला है। सो पॉजिटिव एनर्जी है। देखते हैं टैरो से क्या निकल कर आता है करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है पाइल नंबर 2 के। फाइट हो रही है बहुत ज़्यादा, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई 5 ऑफ सोर्ड्स, लड़ाई हो रही है करंट एनर्जी में, किसी न किसी से लड़ाई हो रही है। थर्ड पार्टी से लड़ाई हो रही है। दो ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, जिस भी जगह पे अटके हैं वहाँ पे लड़ाई हो रही है। इवन आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप पे नज़र रख रहे हैं। और क्या हो रहा है करंट एनर्जी में, जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ इस समय फाइट हो रही है इनकी। करंट एनर्जी पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की, स्लीपलेस नाइट है, किसी तरह का गिल्ट है इनके मन में, किसी तरह का पछतावा है। द मून आपसे भी इमोशंस हाइड कर रहे हैं, अगर आपसे बातचीत हो भी रही है तो आपसे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या मिले नहीं हैं बहुत टाइम से, वेट कर रहे हैं दूसरे का, इंतज़ार कर रहे हैं। आप में कई लोग ऐसे हैं जो एज गैप हो सकता है, कोई यंगर हो सकता है, कोई एल्डर हो सकता है, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या पैसों का रीज़न हो सकता है। और क्या चल रहा है पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। बॉटम से भी आ गया हमारे पास चैरियट। डेफिनेटली डिसीजन होने वाला है आपके तरफ, मेजर अरकाना में भी आया था और यहाँ पे भी आ गया। स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं।
देन हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड्स, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, आपके लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन इस बार ये एक प्रॉपर डिसीजन के साथ आने वाले हैं। बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन में, बहुत हो गया आना जाना, अब ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। यही सिचुएशन मेजर अरकाना में भी आई और टैरो से भी निकली है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स की तरफ पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड आ गया है सैक्रिफाइस, दूसरा कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। टेम्पटेशन, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे ये आने वाले टाइम में किसी एक को सैक्रिफाइस करने वाले हैं, विद इन 7 डेज, विद इन 7 वीक्स, विद इन 7 आवर्स। ये जिस सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, दो में से एक सिचुएशन को ये हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, डिस्टेंस बना लेंगे उस सिचुएशन से। यहाँ पे आपका और आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, 6 ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फिर भी इन्होंने आज तक आपको खुद से दूर किया है, हमेशा डिस्टेंस बनाया है आपके साथ। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देने की। डेफिनेटली जो करंट एनर्जी में आया, जो मेजर अरकाना में आया, वही यहाँ भी आया है। किसी एक को ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसी एक से मूव ऑन करने वाले हैं ताकि रीयूनियन हो सके, एक न्यू बिगनिंग हो सके। और यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, जैसे कि मैं टेम्पटेशन को, एस ऑफ पेंटिकल्स को और सैक्रिफाइस एंड मूव ऑन, ये चार कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि मैं और अच्छे से आपको बता पाऊँ। टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 2 के नेक्स्ट एक्शन में, ऑब्स्टिकल्स की वजह से और पैसों की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बढ़ाई हैं, जैसा कि मैंने कहा। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, न्यू बिगनिंग क्यों आया है, किसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिस भी सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, दो में से एक को चुनना है, एक के साथ टावर मोमेंट आने वाला है और एक के साथ शादी होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पे ये दो कार्ड्स बता रहे हैं, ये तीन कार्ड्स बता रहे हैं कि ये सक्सेस ये आपके साथ चाहते हैं। मेजर अरकाना में भी हमारे पास आया कि ये रीयूनियन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और यही डिसीजन ये लेने वाले हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में भी आ गया शादी का कार्ड, डेफिनेटली आपका रीयूनियन होने वाला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ टावर मोमेंट आने वाला है, मूव ऑन करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर्स। सो देखते हैं एंजल गाइडेंस प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, इन द नियर फ्यूचर, डेफिनेटली नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन होने के चांसेस हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, बॉटम से है बिग हैप्पी चेंजेस। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं। भगवान करे ये रीडिंग आप सभी से रेजोनेट करे।
देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। ट्रैप्ड इन फियर, हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर किसी तरह के डर में ट्रैप्ड हों, किसी तरह के फियर में ट्रैप्ड हों, बहुत टाइम से निकलना चाह रहे हों। फिर हमारे पास है सेकंड मैसेज, सिंक्रोनिसिटीज़, हो सकता है आपके लाइफ में किसी तरह के एंजल नंबर्स, किसी तरह के रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हों, जैसे कि ये गिर भी गया 222, हो सकता है 222 आप में से काफ़ी लोगों को दिख रहा हो। फिर हमारे पास है कुछ अल्फ़ाबेट्स, QSTUVWXYZ, हो सकता है आप या आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स से मैच करें। एडिक्शन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के एडिक्शन में रहे हों या टेंशन से एडिक्शन करने लगे हों, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक कार्ड और लूँगी मैं। प्यार लफ्ज़ों में कहाँ, ऑब्वियसली प्यार के लिए लव्स, व्हाट्सअप, फेसबुक नॉट रिक्वायर्ड, आप टेलीपैथिकली भी उन्हें मैसेजेस भेज सकते हैं। सो प्यार लफ्ज़ों में कहाँ। सो ये थी आज की रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको गाइडेंस मिली हो, आपको पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।